मंत्री बने हैं, हमको बड़ी आशा थी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन जब से शिक्षा मंत्री बने निजी विद्यालयों के कार्यक्रम में जाना, उनकी तैयारी करना और निजी विद्यालय के विज्ञापन में फोटो लगाते हैं। एक तरफ हमारा सरकारी विद्यालय का परसों अभियान चल रहा है, हम बच्चे गली गली में ढूंढ रहे हैं, आपका एक तरफ फरमान है कि गली गली में जाओ सर्वे करो बच्चों को लेके आओ, और उधर निजी विद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में कौन आएगा? विद्यालयों का, निजी संस्थान का, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आप देश हित में काम कर रहे हैं, वो जूते भेजते हैं, वो ड्रेस भेजते हैं, हर जगह उनका कमीशन होता है। आप शिक्षा मंत्री की लाइफ नहीं, जो निजी की तैयारी कर रहा है सरकारी को छोड़कर, वो पहले सरकारी सुविधा को छोड़े, सरकारी लाभ को छोड़े, सरकारी गाड़ी को छोड़े, सरकारी वेतन बच्चों को छोड़े और निजी के लिए काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं और ना हम इसका राजस्थान भर में शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे। जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक तथा नर्सिंग अधिकारी भी मौजूद रहे। वही शिक्षा मंत्री की शिक्षा नीतियों के विरोध में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि शिक्षा मंत्री स्वयं प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी ही नहीं, इसके लिए कोई विशेष योजना नहीं बनती। प्रशासन द्वारा नजरअंदाज करने से ही सरकारी विद्यालय बदहाली का शिकार बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में घटती विद्यार्थियों के लिए टीचर्स, शिक्षा मंत्री और शिक्षा नीति को भी दोषी मान रहे हैं। और जहाँ हमारी एक तरफ सरकारी विद्यालय, जहाँ एकल टीचर्स नहीं है, टीचर्स है, और यहाँ जोधपुर में 250 टीचर्स सर्वलेस बैठे हैं जिनके पास कोई काम नहीं, एक साल से उनको एकल विद्यालय में नहीं लगा रहे हैं, और स्टेपिंग पैटर्न्स, पदोन्नतियाँ, ट्रांसफर, विभिन्न प्रकरण है जो, और जो जीरो नामांकन की दास्तान में 3000 से जो है इसमें लिखे, जहाँ बच्चे हैं, शिक्षा विभाग ने कुछ भी काम नहीं करना, शिक्षा विभाग ने ताला लगा दिया है। इसके विरोध में आज हम मुख्य शिक्षा मंत्री का विरोध करके आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री की लाइफ नहीं, जो निजी की तैयारी कर रहा है सरकारी को छोड़कर, वो पहले सरकारी सुविधा को छोड़े, सरकारी लाभ को छोड़े, सरकारी गाड़ी को छोड़े, सरकारी वेतन बच्चों को छोड़े और निजी के लिए काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं और ना हम इसका राजस्थान भर में शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे। विद्यालयों का, निजी संस्थान का, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आप देश हित में काम कर रहे हैं, वो जूते भेजते हैं, वो ड्रेस भेजते हैं, हर जगह उनका कमीशन होता है, तो वो काम कर रहे हैं और हम जो फटा रहे हैं, हमारे साथ हौसला आपसे करना चाहिए, मतलब कि हमको दबाया जा रहा है। हर माँ चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बढ़िया से बढ़िया पढ़े, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसे आपको कितने साल, भाई जगह रहे मेरे 27 साल होगी मेरे शौक को, जब आप उल्टे चलते हैं मंत्री जी हर जिले के अंदर निजी के कार्यक्रम जा रहे हैं और हम यहाँ बैंड बजा रहे हैं। आपको भी पता है कि अगर कोई सर, एक सेकंड काम है, 250 बच्चे जो टीचर्स को समेटे सरप्लस, उनको एक डीओ को बोलते हैं, डीओ को कि जहाँ आस पास अस्थाई टेम्परेरी दी डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी है, अमेरिका साहब ने आपको संविधान दिया, आपको अधिकार दिए, और अगर गलत हो रहा है तो आपका भी हक बनता है। हम न्याय पुलिस के साथ संविधान के दायरे में, हम बाहर आता निजी स्कूल विज्ञान मंदिर, हमारे सरकारी विद्यालय वही परेश अभियान चल रहा है और साहब का ऑर्डर है कि घर घर गली गली जाओ सर्वे करो, एक ही बच्चा बाहर नहीं रहना चाहिए, बच्चों को लाके स्कूल जोड़ो। मैंने 5 बच्चों से 125 बच्चे किए हैं मेरे विद्यालय में, मैं राजस्थान का एडल्ट टीचर हूँ, और अब क्या है 6 साल की उम्र कर दी, 6 साल से पहले बच्चों को परवरिश दे नहीं सकते आप, और आज की माँ 3 साल में चाहती मेरा बच्चा पढ़े लिखे और स्कूल जावे, और निजी में प्री प्राइमरी, KG, PG वहाँ सब वहाँ है, हमारे यहाँ ही नहीं। तो एक साजिश के तहत हमारे विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को बंद करने की साजिश है। आज पहली कक्षा में यदि वो एडमिशन नहीं होगा तो आगे कहाँ होगा, आगे सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, जैसे पूरे शहर में है।
हमको बड़ी आशा थी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन जब से शिक्षा मंत्री बने निजी विद्यालयों के कार्यक्रम में जाना, उनकी तैयारी करना और निजी विद्यालयों के विज्ञापन में फोटो लगाते हैं। एक तरफ हमारा सरकारी विद्यालयों का परस्तु अभियान चल रहा है, हम बच्चे गली गली में ढूंढ रहे हैं, आपका एक तरफ फरमान है कि गली गली में जाओ सर्वे करो बच्चों को लेकर आओ, और उधर निजी विद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं, हमारे विद्यालय में कौन आएगा। और एक सरकार ने एक बड़ी नीति बनाई है कि 6 साल से पहले कोई भी बच्चा सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज की माँ अपने बच्चे को 3 साल से होते ही स्कूल में भेजना चाहती है, हम महरूम और बड़े जी मचलाता है कि वो बच्चा वापस जाता है। सरकारी विद्यालय की हालत बहुत बदतर हो रही है। जोधपुर शहर में 250 टीचर सरप्लस बैठे हैं, 1 साल से बिना काम हाथ पे हाथ बैठे हैं, लेकिन उनको जहाँ शहर में ही एकल विद्यालय है, जहाँ 8वीं और 10 स्कूल जैसा जहाँ एक टीचर से वहाँ नहीं लगाया जा रहा है, जहाँ जरूरत है, जहाँ बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं और वो सरप्लस बैठे हाथ पे हाथ दिए, तो शिक्षा विभाग का अभी ताला नहीं खोला है, शिक्षा विभाग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वैसे शिक्षा मंत्री से हम इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं और निजी के पैरोकार हैं, हम इस्तीफा चाहते हैं। आप सरकारी गाड़ी बंद करो, सरकारी वेतन भत्ते बंद करो, सरकारी सुविधाएं बंद करो यदि आप निजी की तारीफ करते हैं, तो नहीं तो आप विरोध पूरे राजस्थान भर में चलता रहेगा। शंभू सिंह मिर्तिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री मदन दिलावर ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया एवं राजस्थान सरकार की योजनाओं और कार्य प्रगति के बारे में भी प्रकाश डाला। श्री दिलावर ने बताया कि राजस्थान में कोई इलाका ऐसा नहीं जहां विकास नहीं होगा। राजस्थान में प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है, जिस पर लगभग 4000 करोड़ खर्च होगा। अगस्त माह में अमृत पर्यावरण राम लला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया जाएगा, भगवान राम लला की प्राण, लेकिन अब हम इसको वापस ले आए क्योंकि उस दिन पूरा देश मनाया जाए, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चे स्कूल के बच्चे अलग थे, तो पूरा देश मनाएगा और पूरे देश की जनता में विद्यालय भी बच्चे भी शामिल हैं, ये पूरे देश के साथ पूरे समाज के साथ और समाज के बीच में सब लोग जिस प्रकार से भगवान राम का प्रतिष्ठा उत्सव मनाएंगे, उसी प्रकार से सब लोग हम भी भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाएंगे, स्कूल अलग से नहीं मनाएंगे। 10 तारीख को बजट प्रस्तुत किया है, पहली बार मैं देख रहा हूँ राजस्थान में कि 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यानी सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे, यानी लगभग 1 लाख नौकरियां हर साल दी जाएगी। और इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो जो पद खाली हैं सारे पदों की सूचना एकत्र कर लें, ताकि जल्दी उनकी विज्ञप्ति निकाल करके और भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। सड़कों का एक तरह से जाल बिछ गया है, उससे जोधपुर में भी बहुत सारी सड़कें और दीगर के लगभग 4-5 सड़कें तो बड़ी है जो जयपुर से लेकर सुरंदी तक है, जिसका निर्माण होने वाला है, और यहाँ नहर चौराहे से भी एक रोड बनने वाला है। आंगनबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी खोली जानी है, और यहाँ पर स्पाइन ट्रीटमेंट के अलग से ओटी और इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, जिसमें जो हॉस्पिटल पहले चल रहे हैं उसमें ओटी बढ़ेंगे और सामान्य हॉस्पिटल केवल स्पाइन के लिए भी खोला जाएगा। यहाँ SDM कार्यालय बनने वाला है, जिसकी जगह को हमने चिन्हित कर लिया है, और इस प्रकार से काफ़ी काम राजस्थान भर में होने वाले हैं। 194 किलोमीटर और लंबी पाइपलाइन या नहर के थ्रू पानी ला करके और उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके कारण से सभी लोगों को लाभ होने वाला है। राजस्थान भर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है और जहां पर विकास के काम नहीं होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 10 करोड़ पौधे हर साल लगाने का निश्चित किया, इसलिए 4-5 साल लगभग 4000 करोड़ रुपये उस पर खर्च होंगे, और इस बार भी हम अनेक लोगों से मिल करके अनेक लोगों को प्रोत्साहित करके और राजस्थान भर में अमृत पर्यावरण महोत्सव है उस दिन 8 अगस्त को, उस दिन लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य है, और इस काम के लिए हमारे सब लोग जुट रहे हैं। प्रारंभिक जो पहले का काम करना होता है, इससे गड्ढे खोदना है,
और अर्थव्यवस्था में जुट गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जैसे मैंने कहा 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाएगा, ऐसे ही कई सारे जैसे मैंने कहा है कि जिला हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल क्रमोन्नत किया जा रहा है, ऐसे कई हॉस्पिटल्स किया जाएगा। कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं होगा, और कांग्रेस के लोग इसलिए परेशान हैं कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जिसकी कमजोर बता सके, कमी बता सके, किसी भी प्रकार की कमी उन्होंने नहीं रखी। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 टाइम न्यूज, खबर वही जो हो सही। अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।